तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है साक्षी शर्मा और आज जो है मैं अभी अपने कॉलेज आया हुआ हूँ, पर मैं कॉलेज के अंदर जाने नहीं वाला। अभी मेरे दो फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो पहले हम लोग जो है कहीं पे जाने का प्लान करेंगे कहीं पे। अरे वाह, अभी गए। तो ये आज हमारा व्लॉग क्या होने वाला है, कोलैबोरेशन होने वाला है। ये भाई भी व्लॉगर है, ये हमारे फोर्थ ईयर के भैया, ये सेकंड ईयर में सचिन, तो हम साथ में व्लॉग बनाने वाले हैं। अभी देखते हैं, प्लान करते हैं कहाँ जाएंगे। बाकी चलो, तो गाइस हम मेट्रो आ चुके हैं और हमारे आते ही मेट्रो भी आ गई। हमारा प्लान बनाएंगे, हम लाल किला जाएंगे। वही चलो इनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है मेरे साथ घूमने आना, तो बताइए सचिन। मेरे को बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है भैया के साथ घूमने जा रहा हूँ, और यार मेरा बहुत दिन से मन भी था कि कहीं घूमने चलते हैं, तो फिर मैंने भैया को बताया और भैया कह रहे हैं चलो चलते हैं, तो फाइनली तैयार हो। मेरे को तो अभी पता चल रहा है कि यहाँ से घूमा जा रहा है। मेरे को अभी आधे घंटे पहले बताया गया कि घूमने जा रहे हैं, मैंने बोला चलो चलते हैं। चलो भाई, फिर अभी यहाँ से पहले हम मंडी हाउस उतरेंगे। तो भाई हम आ गए मंडी हाउस, मंडी हाउस से हम लाल किला वाली पकड़ेंगे। तो भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है आज, तो लगता है आज ही सबने सोचा है कि भाई घूमने निकलते हैं। तो गाइस फाइनली हम आ गए लाल किला मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से एग्जिट लेते हैं, आगे चलते हैं मार्केट में, या फिर पहले लाल किला देखते हैं, पहले कहाँ जाएंगे। मार्केट में भी जाने का प्लान बन रहा है। बाकी ये देखो भाई, वो भी अपना ब्लॉग बना रहा है, चलते हुए जा रहे हैं। चलो, तो गाइस हम लाल किला यहाँ पे आए थे, पर जो ये लोग तो भाई हमें एंट्री नहीं दे रहे, कह रहे कि भाई घूम के आओ। फिर कुछ लोग आईडी दिखा के घुस रहे थे, तो ये लोग अपना आई डी कार्ड निकालने लगे कॉलेज वाला घूमने के लिए। फिर बाद में पता लगा भाई तो स्टाफ वाला आई कार्ड है, तो वही देख के एंट्री हो रही है। ये लोगों को देखो भाई एंट्री नहीं मिल रही, हम भी वापस आ गए। तो यहाँ का गार्ड क्या कर रहा था, गेट पे एंट्री रोक के वो उसने बाहर बैठे रिक्शा वाले लगा रखे थे, और भाई वो लोग जो है दूसरे गेट पे ले आ रहे थे, और ऑटो रिक्शा से पैसे ले रहा था। तो ये बड़ा गलत करा भाई, इतने भीड़ हो गई थी पूरी गेट पर। फिर अभी बाहर से लोग आ गए थोड़ा सिक्योरिटी वाले, फिर उन्होंने भाई थोड़ा हैंडल कराया। ये देखो पहले ये था नहीं व्हील, अभी पता नहीं शायद इन्होंने बनाया है। बाकी और यहाँ पे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं भाई, फोटोशूट चल रहा है, सचिन प्रिंस अपना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई। यहाँ पे मेले जैसे शायद लगा होगा, तो उसी में सब झूले वूले लगे हुए हैं, देखते हैं हम अंदर जाके कुछ। तो भाई यहाँ पे ये लगा हुआ है, सब देखो यहाँ पे। यहाँ से जो है थोड़ा टिकट विकेट का पंगा है, पर वही जाके लोग कह रहे फ़ायदा नहीं है, बस तलवारें वगैरह शायद कुछ है, फ़ोटोज़ वोटोज़ लगी है उतना, थोड़ा यार अपना हिस्टोरिकल आदमी हम है नहीं, तो उतना इंटरेस्ट बन नहीं रहा है। बाकी देखो अब आगे चलते हैं, मार्केट में सोच रहे जाने की, तो भाई चलो चलते हैं। भाई मेरा तो नीचे उतरने का बहुत मन कर रहा है, बड़ा मस्त है भाई। भाई अगर मैंने ऐसा करा तो ये यहाँ पे जो CRPF वाले खड़े हैं ये मेरे को छोड़ेंगे नहीं, तो भाई रहने ही देते हैं, फालतू पंगे नहीं लेने। बाकी चल रहे, देख रहे भाई अंदर और क्या क्या है। आज बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, जब मैं लास्ट टाइम आया था तो बिल्कुल खाली सा लग रहा था, पर आज लगता है कुछ सबने आज सोचा होगा भाई घूमने चलते हैं, तो भाई ज़्यादा ही भीड़ हो रही है। बाकी मेला वगैरह भी लगा है इसलिए भी शायद आए हो। सचिन को काफ़ी ज़्यादा हैवी नॉलेज है यहाँ की, तो कह रहे हैं कि भाई इन छेदों में से बंदूकें निकाल के मारी जाती थी, तो हम इसलिए अब भाई से एक क्वेश्चन पूछेंगे। नहीं ये मत पूछना कि लाल किला किसने बनाया था, बताइए लाल किला किसने बनाया था। सो सिंपल, मेरे को भी नहीं पता। पर तो गाइस इसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिए, जो भी सही बताएगा उसे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। तो गाइस अब हम एग्जिट लेने वाले हैं, अब देखते हैं इसके बाद कहाँ जाएंगे, शायद जाम चलेंगे या शायद मार्केट घूमेंगे। यार वो हो गया यार,
तो गाइज अपने डिप्लोमा डेज में पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता था, फिर जब बीटेक में आया तो भी टाइम मिलना बंद हो गया। एंट्री तो अब आगे चलते आने की सोच रहे थे, पर भाई जूते चोरी ना हो जाए तो इसलिए भाई रहने देते हैं, भाई नंगे पैर घूमना पड़े तो मज़ा नहीं आएगा थोड़ा कि भाई। और साइड मार्केट है, मार्केट चलते हैं पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, तो मार्केट जाने वाले भाई चलते हैं। तो गाइज ये है मार्केट यहाँ की, देखते हैं भाई क्या मिलता है अंदर। अभी तो भाई दुकानें खुली रही है धीरे धीरे, शायद हम थोड़ा जल्दी आ गए, बाकी हमें कुछ खरीदना तो है नहीं, बाकी कुछ पसंद आया तो ले भी लेंगे शायद। यहाँ पे पहले ना जब मैं अपने डिप्लोमा में था यहाँ पे हम पीसी के पार्ट्स लेने आते थे, और जो वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह, क्योंकि तब हम काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाते थे तब पार्ट्स लेने हमारा यहाँ पे आना रहता था। बाकी टीवी वगैरह लगे हैं, स्पीकर वगैरह काफ़ी जगह लगे हैं यहाँ पे। तो गाइस वैसे तो सब ठीक है, पर थोड़ा गंदगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है यार, बाकी तो भाई ठीक है मार्केट। ऐसे भी हमने चीज़ों के पूछे, रिंग लाइट हो गई, ट्राईपॉड हो गया, तो ठीक है उतना ज़्यादा नहीं है, पर भाई थोड़ा गंदा है यार यहाँ पे मार्केट में, अंदर भी पानी पानी हर जगह गिर रखा था। यहाँ पे ऑडियो पार्ट्स वगैरह है, थोड़ा देखते आगे कहाँ जाना है। मार्केट से तो हम होके घूम चुके हैं, अब शायद कैमरा मार्केट में आने का प्लान है, कैमरा मार्केट चलते हैं भाई। तो गाइस हम टेस्ट करने आए थे खाली, फिर हमने अंकल को बोला अंकल एक प्लेट दे दो हमें, तो अंकल थोड़ा नाराज़ हो गए, फिर हमने कहा चलो यार एक और कर दो, एक प्लेट लेनी है तो वो नाराज़ हो गए, फिर उनके लिए हमें एक और लेनी पड़ी। चलो कोई नहीं भाई दो खा लेते हैं, अंकल भी थोड़ा खुश जाएंगे, अभी एक प्लेट आ गई दूसरी अब आएगी, फिर खा के बताते हैं कैसा है। तो गाइस छोले भटूरे हमने खा लिए, काफ़ी एवरेज एवरेज ही थे, ठीक है भाई खा लिया ठीक था। बाकी चलते कैमरा मार्केट देखते हैं भाई कुछ वहाँ पे। तो भाई यहाँ पे जो है बैग्स मिल रहे हैं यहाँ पे 700 रुपये बड़ा है भाई, अंदर तो इतनी ज़्यादा भीड़ है कि भाई फ़ोन ही निकाल पाए भाई। ये देखो कैमरे सारे यहाँ पे भी है। तो भाई हमने प्राइसेस वगैरह पूछे सेकंड हैंड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बता रहे हैं, बाकी रेट तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं अंदर। जो कैनन का 1500 है, पहले मेरे पास ये कैमरा था तो मैंने ये 23 का लिया था, तो मैंने भी अंदर पूछा पुराने का, तो 3 साल पुराना ये बता रहे 22000 का, तो काफ़ी ज़्यादा बता रहे भाई, थोड़ा 3 साल पहले का है तो उन्होंने भी कम नहीं लिया होगा, अब तो 32 का हो गया, पर भाई बहुत महंगा बता रहे वैसे। बाकी GoPro वगैरह ठीक मिल रहे हैं यार, 15000 में दे तो रहे, बाकी देखो अगर आओगे थोड़ा भाई रिसर्च करके आना कि प्राइसेस क्या थे पहले, क्या चल रहे हैं पहले, कितने का उन्होंने ख़रीदा है, और बिल बॉक्स के बिना देना ठीक है। तो गाइस हम अभी वाली मार्केट में जाने वाले हैं, दिल्ली इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन, यहाँ पे भाई मंडी है साइड में, देखते हैं यहाँ पे भी कुछ खा लेंगे। चलो भाई एंट्री करते हैं, यहाँ पे लाइट्स तो काफ़ी सुंदर सुंदर दिख रही है भाई, लाइट्स में तो चाहिए अभी, एक बार प्राइसेस पूछ लेंगे ठीक होएंगे तो मैं ले लूँगा वैसे भाई। लाइट तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया है, अभी देखते हैं एक दो के प्राइसेस पूछता हूँ मैं, तो पसंद आई तो ले लेंगे। बाकी भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे यार, सही भाई यहाँ की कोई भी मार्केट में चला बहुत भीड़ है भाई। भाई वैसे देखा जाए तो ये मार्केट अभी तक की सबसे साफ मार्केट मेरे को लगी है, अरे यहाँ पे थोड़ा गंदा आ गया मेरे बोलते ही यार, पूरे बाप रे कितना सुंदर लग रहा है भाई यार। लाइट्स मैंने थोड़ा लाइट का रेट पूछा, पर वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेने के लिए बोल रहे हैं, कह रहे भाई इतनी नहीं देंगे, पर भाई कह रहे थे होलसेल में लोगे तभी देंगे। हाँ थोड़ा होलसेल वाली मार्केट हो शायद, बाकी और भी ट्राई करते हैं यार, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। बाकी लाइट्स तो देखो मेरे घर के पास वैसे वाली मिल जाएंगी, तो मैं अगर यहाँ से नहीं हुआ तो शायद वहीं से ले लूँ, वहाँ पर कम में भी दे देंगे कोई जान पहचान में। पढ़ते आगे भाई ये थोड़ा कॉम्पैक्ट एरिया है, तो यहाँ पे लाइट ज़्यादा अच्छी लग रही है। नहीं नहीं वो चलता रहे चलता रहे। तो प्लान ये है कि हम जाने वाले हैं गुरुद्वारा जो सामने है, नहीं बोल लो यार। ये देखिए गाइस आ गए भाई, चलो भाई अंदर चलते हैं देखते हैं कैसा है।
मैं काफ़ी बार आया हूँ पर मैं कभी अंदर नहीं गया इसके, बार बार से देख के हम चले जाते थे क्योंकि टाइम की दिक्कत रहती थी हमेशा। बाकी भाई चलते हैं, एंट्री लेते हैं अंदर, देखते कैसा है। पता नहीं अंदर अलाउड होगा शूट करना है कि नहीं, बाकी देखते। चलो शूज अपने दे दिए हैं, एंट्री लेते हैं भाई। तो भाई देखिए भाई अंदर कितना सुंदर बना रखा भाई इन्होंने, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई इधर। बाकी लोग यहाँ बैठे हैं, बैठो भाई। तो गाइस हम अंदर से होके आ चुके हैं भाई, सभी ने अपना कुछ मांग लिए वो भी है। बाकी भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है आज, और कहीं पे भी जाओ काफ़ी भीड़ है आज। आज लोग निकले घूमने के लिए। बाकी देखो माहौल काफ़ी सुंदर है यहाँ का। मैं लंगर के लिए जो है रोटियाँ वगैरह इधर बनती है, देखिए भाई मशीन पूरी लगी हुई है। आ जाओ यहाँ पे भी देखो भाई, पूरा मशीन से हो रहा है आजकल तो। बाकी चलो यार देखते हैं आगे, यहाँ पे लंगर लग रहा है ना। एक तो हम लंगर के लिए बात किया भाई, ये देखो वेट कर रहा है हमारी बारी आने वाली। चलो भाई खाते। तो गाइस लंगर हमने अब खा लिया है, मेरे से जो है एक रोटी ख़त्म नहीं करी गई तो मैंने बैग में डाल ली, क्योंकि मेरे को थोड़ी शर्म आ रही थी भाई उन्हें बोलने में कि मैं खा नहीं पाया, मैं बैग में डाल ली चुपचाप। बाहर कोई चिड़िया वीडिया को देती यार, ऐसे वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता ना। बाकी भाई अब आगे चलते हैं, शूज़ वगैरह अपने लेते हैं। तो अब ये प्लान है कि हम जामा मस्जिद जाने वाले हैं आज भाई, पूरा घूम लेंगे आसपास का एरिया। चलो भाई जामा मस्जिद चलते हैं। यहाँ की एक बात बढ़िया लगी, यहाँ पे जो है हमारा ये भी है देखो चर्च। अरे तो यहाँ पे देखो चर्च, तो भाई यहाँ पे देखो जैसे क्रिश्चियन वाले रिलीजन के लिए भी है, मुस्लिम रिलीजन के लिए भी है, हिंदू रिलीजन का भी है भाई, तो सिख रिलीजन का भी है, सब है भाई, और जैन का भी है। तो बताओ भाई एक ही जगह पे सब कुछ है भाई। तो भाई बताता है यार इंडिया भाई कितना बढ़िया कंट्री है भाई। तो भाई ऐसी हमें एक एक होके रहना चाहिए भाई इसी तरह। तो जामा मस्जिद हम आ चुके हैं, थोड़ा मेरे कैमरे में भी दिख नहीं रहा होगा यार, बाकी थोड़ा अंदर चल के दिखाते हैं कैसा है। यहाँ से तो दिख रहा है कि काफ़ी भीड़ है भाई इधर तो। भाई तो जामा मस्जिद हम आ चुके हैं फाइनली, देखो भाई काफ़ी भीड़ है यार। आज तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे भीड़ मिल रही है भाई। बाकी शूज़ हाथ पकड़ने पकड़े, कोई नहीं देखते हैं क्या क्या है अंदर। भाई मेरे को लग रहा है वो यहाँ पे थोड़ा शायद काम चल रहा है अभी। सोचो यार जब पहले के ट्रेन पे राजा महाराजा हुआ करते थे। यहाँ पे देखो सचिन अपना व्लॉग बना रहा है भाई। हाँ भाई तो ये देखिए गाइस भाई क्या व्यू है भाई। शूज़ हमें हाथ में पकड़ने पड़े हैं पर कोई नहीं, बाहर थोड़ा जमा करने में डर लग रहा था भाई चोरी वोरी ना हो जाए। तो गाइस जामा मस्जिद हम दिखा चुके हैं आपको, बाकी चलो थोड़ी देर अब आराम करते हैं यार, काफ़ी थक गए यार तब से चल ही रहे हैं। वहाँ पे बच्चा देखो भाई उधर ही भाई लेट गया है, वो एक बच्चा पोल डांस कर रहा है भाई। वहाँ पे कुछ अंकल ताश खेल रहे हैं, बाकी ऐसी यार लोग अपना यहाँ पे चिल करने आए हुए हैं। ये लोग भाई अपना हंसी मजाक कर रहे हैं इधर। और क्या क्या है भाई देखे जरा, वहाँ पे देखिए भाई, वहाँ पे कोई भाई हमारे ब्लॉगर दोस्त भाई, वहाँ पे देखिए एक ब्लॉगर हमें दिख रहा है, तो उस पर माइक वगैरह गोप्रो वगैरह सब कुछ है। हम तो भाई गरीब आदमी हैं, अपना फ़ोन और एक छोटा मोटा माइक लेके घूम रहे भाई। बाकी कोई नहीं भाई, एक दिन हमारा भी ऐसा है अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते रहेंगे और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करते रहेंगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। हम बाहर आ चुके हैं अब भाई, देखते क्या करना है आगे, या तो घर जाएंगे या देखते और कोई मार्केट हुआ सब। हाँ बाकी भाई सचिन भाई का भी ब्लॉग चैनल है तो भाई भी सब बाकी भाई सचिन भाई का भी यूट्यूब चैनल है तो प्लीज़ सब सब्सक्राइब कर देना, लिंक मैं बायो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो भाई प्लीज़ कर देना यार भाई को सपोर्ट हो जाएगा। और हमारे साक्षर भैया तो तगड़े ब्लॉग बनाते ही हैं, बाकी मैं रहेंगे और साथ ही साथ हमारा भी थोड़ा सा काम देख लो, अगर पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर लेना वरना कोई दिक्कत नहीं है।
चलो भाई चलते हैं। हम मस्जिद से हम निकल चुके हैं, अब प्लान बना है इस्कॉन टेम्पल जाने का, तो भाई चलो इस्कॉन टेम्पल चलते हैं, बाकी अंदर का दिखाते हैं कैसा है। तो चलो भाई चलते हैं। गाइस तो हम गेट नंबर 3 पे आ गए जामा मस्जिद के, हम गेट नंबर 2 से एग्जिट लेके भाई 2 किलोमीटर चल के यहाँ तक आए हैं। गेट नंबर 4 पे पहुँचेंगे लग रहा है। हम यहीं से एग्जिट ले लेते तो हम खाली 2 मिनट में पहुँच जाते, पर कोई नहीं भाई, गलतियाँ हो जाती है। गाइस तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रातः 5 बजे से 12:30, फिर 4 बजे से 10 बजे। तो हम लोग अभी जो है 2:30 आ गए थे, तो भाई बंदी था, तो इसलिए अंदर थोड़ा कीर्तन वगैरह चल रहा था, बाकी भाई चलो वापस ही चलते हैं, क्या कर सकते हैं। कि भाई हमने सोचा था थोड़ा बड़ा सा होगा कुछ अंदर मंदिर, पर वो काफ़ी छोटा सा ही था, बाकी मे भी ऐसा हमें लग रहा है कि हम शायद बैक साइड से एंटर किए थे, इस वजह से हमें कुछ दिखा नहीं। बाकी भाई चलो अब आगे चलते, देखते हैं क्या करना है आगे। तो गाइस चल चल के काफ़ी थक चुके थे, थोड़ी देर हमने सोचा चलो भाई पार्क में थोड़ी देर बैठ जाते हैं। अब यहाँ से जो है अपना घर के लिए मेट्रो पकड़ेंगे जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन से, फिर वहाँ से चलते हैं भाई। चलो भाई ये है प्लेटफॉर्म भाई, देखो चलो यहाँ तब भी काफ़ी चलो भीड़ तो है, पर पहले से थोड़ी कम भीड़ हो चुकी है भाई अब, बाकी ऊपर तो बहुत भीड़ थी, टोकन यहाँ पे लेते हैं, बाकी हमें अब जाना होगा इस साइड जाएंगे। तो भाई मंडी और हम आ चुके हैं, अब यहाँ से प्रिंस जो है अपने रास्ते जाएगा, गुरुद्वार का साइड जाएगा और वैशाली साइड। तो प्रिंस भाई, तो भाई वैशाली मेट्रो स्टेशन हम आ गए, अब यहाँ से अपना स्कूटी पकड़ेंगे, सचिन को मोहनगर तक छोड़ देता हूँ भाई, जूनियर यार हेल्प कर देनी चाहिए, फिर वहाँ से भाई मैं अपने घर निकलूँगा। फिर अभी टाइम हो रहा है भाई 4 बजे गए आते आते, तो भाई चलते हैं स्कूटी उठाते हैं, चलते हैं सचिन को हम बाय करने वाले हैं, तो गाइस फाइनली घर आ चुके हैं भाई। तो थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर जो है अपना जिम जाऊँगा थोड़ी देर, फिर पढ़ाई करेंगे यार, पढ़ाई भी ज़रूरी है, फिर अपना रात में व्लॉग एडिट करके ट्राई करूँगा कि मैं आज ही अपलोड कर दूँ। तो चलो व्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं भाई, बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर ही देना, ठीक है। तो भाई थैंक यू।